अभी कुछ हम ऐसे दिखते हैं, तो अभी बताते हम कभी ऐसे दिख रहे हैं कुछ। अभी ये रहा ग्लेशियर, काफ़ी मेल्ट हो चुका है। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था एक महीने करीब, तो काफ़ी यहाँ तक था ये, लेकिन अभी काफ़ी मेल्ट हो चुका है, देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं लिंचोली से रुद्रा पॉइंट, ये पीछे आप ग्लेशियर देख सकते हैं, ये भी काफ़ी मेल्ट हो चुका है। अगर पिछली बार जब मैं आया था एक महीने पहले, तो यह काफ़ी ऊँचा था, लेकिन अब बारिश की वजह से, बारिश रोज़ गिर रही यहाँ पर, इसकी वजह से काफ़ी मेल्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो आज का ब्लॉग जो हमारा होने वाला है, होगा या नहीं होगा, होने वाला है हमारे हेयर कट पे। डेढ़ साल में हेयर कट कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि हेयर कट करना ज़रूरी हो गया केदारनाथ में। जब हम केदारनाथ में हैं तो आप देख सकते हैं टोपी पहनना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठंड यहाँ पे बढ़ रही है। अभी सितंबर से यहाँ पे ठंड बढ़ रही है, स्टार्ट हो रही बढ़नी। तो पहला रीज़न तो ये है, यहाँ पे टोपी पहननी पड़ रही है, तो बड़े बड़े बालों के साथ टोपी पहनना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा भी हो रहा है। और बड़े बालों का फ़ायदा भी क्या है फिर, अगर आपने टोपी नहीं पहनी है। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे लाइट नहीं रहती है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, तो कभी सुबह में पानी गर्म होता है नहीं होता है, तो कभी बिना बाल धोए चले जाते हैं ऐसे ही, कभी दो तीन दिन बाल नहीं धोए जाते हैं क्योंकि लाइट नहीं रहती है। तो दूसरा रीज़न ये है। और तीसरा रीज़न ये है कि हम बाल कहीं एक जगह से नहीं कटवाते, हमारे नाइट चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लॉकडाउन में हमने घर में बाल बनवाए थे, हमारे छोटे भाई थे उन्होंने बाल काटे, उसके बाद कभी हम जम्मू में बाल कटवाते क्योंकि जॉब ऐसी है, कभी सोनप्रिया कभी रामपुर ऐसी बाल, प्रॉपर एक नाई नहीं है। और अभी आप सुन रहे हैं बहुत तगड़ी बारिश आने वाली है यहाँ पे। मैंने पहले, मेरे को 3 साल हो गए लगा था यहाँ पे आते हुए, लेकिन मैंने यहाँ पे कभी बादलों को गरजते हुए नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। क्योंकि बारिश तो वहाँ पर बहुत तगड़ी होती है। अभी यहाँ पे चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर जाना है, काफ़ी चढ़ाई है, तो क्या होता है कि फिर से बादल गरजने वाले हैं बहुत जोर से, बहुत जोर से। अभी क्या होता है कि हम नाई चेंज करते रहते हैं, तो कोई नाई सही तरीके से बाल नहीं काटता है, कोई सही तरीके से काटता है, तो इस वजह से बाल कोई छोटे हो गए कोई बड़े हो गए। अगर टोपी निकालो तो ओहो, बहुत ज़बरदस्त कड़कने वाली बिजली, बादल गरजने वाले बहुत तेज। ओहो, जल्दी निकलते हैं, ब्लॉग ऊपर ही बनाएंगे। तो क्या हो गया, कोई बाल छोटे हो गए कोई बड़े हो गए, और टोपी निकाल दो ऐसे बाल, छोटे बाल हैं वैसे खड़े हो जाते हैं, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस बार ही प्रॉपर बाल एकदम कटवाने वाले हैं, हमारे पूरे लंबे बाल हैं वो पूरे कटवाएंगे, क्योंकि क्या है ना, फिर नाई भी नहीं है, बाल हम खुद काटने वाले हैं, एक ट्रिमर है हमारे पास। तो यहाँ का वेदर देख सकते हैं आप, नीचे पूरे बादल जो आ रहे हैं पानी के साथ ऊपर आ रहे हैं पूरे बादल, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। फिर अभी सांस फूल रही क्योंकि मैं अभी चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ, शॉर्ट कर लिया हुआ मैंने, प्रॉब्लम हो रही है बात करने में। तो मैं बता रहा था, नाई हमारे पास अजय भैया हैं, कल मैंने अजय भैया का हेयर कट किया था, आज भी मेरा हेयर कट करने वाले हैं। हमारे पास एक ट्रिमर है, ट्रिमर के सहारे एक ट्रिमर से देखते हैं कितना बाल बनते हैं, मन तो जाएंगे वैसे, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। ये रही वो चढ़ाई, अब तो इस पर चढ़ने की आदत हो गई है, जब फर्स्ट टाइम आया था मैं तो चढ़ा नहीं जा रहा था यहाँ से और यहाँ तक, लेकिन अभी हैबिट बन गई है, ज़्यादा नहीं परेशानी हो रही चढ़ने में। और अभी साथ में मैं ब्लॉग भी कर रहा हूँ,
लेकिन उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से बादल ऊपर आ रहे हैं, ध्यान से देखना एक बार। ये भी देख सकते हैं और फिर से बिजली बहुत जोर ही कड़कने वाली, इसको क्या हो गया। आपको अभी हिमालय तो नहीं दिखेगा, ओहो हो, मैं बता रहा था आपको कि अभी ऊपर हिमालय तो नहीं दिखेगा क्योंकि ऊपर चोटियों में पूरा कोहरा लगा हुआ है, बादल गरजने वाले हैं फिर से। ये देखिए, अब ये देख सकते हैं आप बादल मेरे साथ चल रहे हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ मेरे से आगे ही बादल जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे एकदम वाइट हो जाएगा, बहुत जोर की बिजली कड़की है यहाँ पे, अभी देखना। ओ भाई साहब, जल्दी निकलना पड़ेगा, जल्दी निकलते फिर बाद में बात करते हैं। तो ये पहुंच चुका मैं रुद्रा पॉइंट में और आप देख सकते हैं पीछे चारों तरफ बादल आ चुके हैं और आप ये भी सुन सकते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम पोस्टपोन हो चुका है कल में, क्योंकि अभी जो बिजली कड़क रही है उसकी वजह से लाइट चली गई है। तो अभी लाइट नहीं रहेगी तो बाल बनाएंगे, फिर नहाने के लिए नहीं होगा, पानी गर्म नहीं होगा, तो कल बनाएंगे बाल। तो अभी बन रहा जल नहीं रहा है तो ये तैयारी शुरू हो चुकी है खाना बनाने की। यहाँ पे हमारे पास हीटर भी है लेकिन अभी लाइट नहीं है, तो हमारे पास बैकअप के लिए रखा हुआ है। तो ये स्टॉव जो है बहुत दिन से ड्रामा कर रहा है, अभी जल नहीं रहा है, कभी तो इधर की तरफ जलता है कभी उधर की तरफ, तो खाना इसमें बन नहीं पाता है। तो हो सकता है मैं इसको छानी पहुंचा दूं सीधे नदी में, जाएगा ना ये? नहीं छानी, छानी जाएगा, ये छानी जाएगा। ये देख लो, ये वन साइड चल रहा है, ये देखो, ये देखो ड्रामा कर रहा है, देखो ठंडा हो रहा है यहाँ पे, हाथ एकदम जम चुके हैं अभी से। तो अभी बैठते हैं चेयर में, अभी कुछ हम ऐसे दिखते हैं बालों के साथ, और अभी ये कटने वाले हैं, तो देखते हैं आप कैसे दिखते हैं बाद में। बाल दिखना, इतने लंबे बाल है। देखा तो लंबा बाबा, ये इस स्पून को हम बेचेंगे मार्केट में, बहुत महंगा बिकेगा, ये बहुत ही ज्यादा महंगा, बहुत महंगा बिकेगा मार्केट में। या यू बाबा, चल कर पॉज की कर, चल को कर पॉज, वीडियो चलनी है। अरे कहाँ गए बाल हमारे, ये देखिए ये इतने लंबे बाल हैं इसके, ये मार्केट में बहुत महंगा बिकेगा तो इसकी ऊन काफी मोटी। अरे पैदरा छोटा बाल दे यार, ऐदर पर चिल्ला मई जा, पर यू तो गाड़ रहा है हमें या छोटा। तो कर दूं इसका खात्मा, कर दूं, अब काट दिए पूरे बाल अपने, काट दिए। अब कब जिंदगी कर रहे थे और छोड़ी।
तो अभी हम रूम से निकल चुके कल रात को वीडियो बनाने के लिए, हुआ नहीं क्योंकि कल बहुत अंधेरा हो चुका था। तो अभी बताते हम कभी ऐसे दिख रहे हैं कुछ बाल बनाने के बाद। तो चेंजेस बहुत ज़रूरी है अभी ढंग से ग्रोथ होगी बालों की। अभी केदारनाथ पे देख सकते हैं पीछे का व्यू, तेरा हिमालय और यहाँ का व्यू अभी देख सकते हैं आप। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करें। जितने भी नए लोग जुड़े हैं चैनल के साथ जुड़े रहें और ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपके लिए।